अपनी थार अपना मॉन्स्टर पहुंच चुका है माइटी खारदुंगला, एल्टीट्यूड 17,982 फीट। वो देखो वो रास्ता जा रहा है, फुल बर्फ होगी उधर यार। गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं होती भी है कि नहीं होती है। मुझे लग रहा है टूरिस्ट में अकेला ही आया हूँ इधर, अभी तो बस यही घूम रहे हैं ले में। आई लव लद्दाख, लुक एट दिस, आई लव ले। एंड ये देखो आगे पत्थर गिरा पड़ा है, ओहो रोड के बीचों बीच देखो पत्थर सब गुरुद्वारा। रात गाड़ी चल रही है, ऑटोमेटिक गाड़ी बंद है। ओ भाई ये जगह है मैग्नेटिक हिल, बस आज अपना होम स्टे में स्टे रहेगा। हे गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले। कल रात मेरा इस जगह स्टे था इधर। भाई होटल की बड़ी मारामारी चल रही है अभी, क्या है लगभग 90% होटल यहाँ पे बंद हो चुके हैं, सिर्फ 10% ही होटल है जो अभी ओपन है। जो ओपन है उन लोगों का रेट बहुत हाई है, तो मेरे को ये जो कल मैंने स्टे लिया ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ा, 3,000 रुपए का पड़ा, बाकी 3,000 जैसा तो उसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन चलो ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ लेक की मार्केट में, थोड़ा सा एक मार्केट का राउंड लेंगे। एवरीबॉडी बार का वेदर आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके का है, एंड अभी तो मैं मार्केट में हूँ तो अच्छे से पता नहीं लगेगा। गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं होती भी है कि नहीं होती है। इसके बाद में थोड़ा सा क्या है कि खारदुंगला साइड जाने की ट्राई करेंगे। थोड़ा सा टफ हुआ बट हो गया स्टार्ट, सुबह सुबह थोड़ा सा क्या डीजल जम जाता है इधर। अभी यार इधर टूरिस्ट है ही नहीं, एक भी नहीं है, सभी यहाँ के लोकल्स लोग हैं, आप देख पा रहे होंगे सभी लोकल हैं। मुझे लग रहा है टूरिस्ट में अकेला ही आया हूँ इधर। यहाँ पे बस आप देख सकते हो सारे लोकल्स ही घूम रहे हैं, बाकी मार्केट बहुत बढ़िया है यहाँ का। लास्ट टाइम आया था ना वैसा माहौल तो नहीं है यार, जब लास्ट टाइम आया था ना तब यहाँ पे इतना शानदार माहौल था, इतनी भीड़ थी, इतने लोग थे, मतलब बाहर के टूरिस्ट और फुल भरा भरा सा था, अभी बिल्कुल खाली खाली सा है। आपको सारा सामान मिल जाएगा, अगर आपको कैंपिंग से रिलेटेड चीजें चाहिए तो भी एवरीथिंग यहाँ पे मिल जाता है। अभी तो बस यही घूम रहे हैं ले में। हेलो लद्दाख, सामने की साइड में मोनेस्ट्री, क्योंकि विंटर टाइम है कोई नहीं आ रहा है। मैंने एक सिंगल टूरिस्ट नहीं देखा इस रोड पे, बस एक फॉरेनर दिखी थी, वो सब के सब क्लोज जस्ट बिकॉज ऑफ विंटर टाइम। यहाँ बहुत तगड़ी मार्केट लगती है अंदर की साइड में, लेकिन वो भी पूरी की पूरी क्लोज। लुक एट दिस, आई लव ले, बस एक यही, यहाँ पे भीड़ बहुत रहती थी, अब बिल्कुल खाली है, कोई नहीं है, यहाँ पे आराम से शूट कर सकते हो। लास्ट टाइम तो मेरा नंबर भी नहीं आ रहा था शूटिंग का। लद्दाख तो और का सुना सुना, खाली खाली कोई भी नहीं है यहाँ पे, टूरिस्ट आरिस्ट बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, जो भी थोड़े बहुत आ रहे हैं वो बाई फ्लाइट आ रहे हैं। बंद जैसे कर्फ्यू लगा हो, ठंडी है ही इतनी कि क्या करें जनाब, कहाँ जाएं, इतना खाली खाली है यार, समझ ही नहीं आ रहा है कुछ भी, बहुत ही खाली खाली हो रखा है। तो इस प्रॉपर्टी पे अपना स्टे था एंड ये अपनी गाड़ी रही, अब इसको लेके निकलते हैं भाई घूम। आज की जर्नी की शुरुआत करते हैं लेके बाबे का नाम, हर हर महादेव। रास्ते आज बड़े रिस्की हैं खारदुंगला साइड के, यहाँ से 70 किलोमीटर ऊपर की तरफ है खारदुंगला। तो ये मार्केट है यहाँ की जो अभी बिल्कुल सुनी सुनी सी पड़ी है, टूरिस्ट के बगैर तो यार शहर सुनने ही हो जाते हैं पहाड़ों में। यहाँ का कुछ ज्यादा प्लान करके नहीं है, मेरे पास कोई भी बैकअप नहीं है ज्यादा, मेरे पास तो सर्दी के कपड़े भी नहीं है इस बार। खारदुंगला पास कुछ टाइम पहले वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पास था, लेकिन अब नहीं है वो हाईएस्ट पास है। यहाँ पे कई सारी मॉनेस्ट्री है, हेमिस है, थिक्से है, शायद फोर्ट टाइप का कुछ वो ऊपर की तरफ है, वहां भी जा सकते हो। यहाँ जो चेक पोस्ट आएगी, अगर उन लोगों ने मेरा परमिट बना के दिया देन तो बन गया, अगर उन्होंने कहा ऑनलाइन बनाओ तो नेटवर्क नहीं है भैया, मामला बिगड़ जाएगा बिल्कुल ही। तो अभी श्योरिटी में नहीं कह सकते कि हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ एक बार के लिए रोका गया, जस्ट आप ऊपर देख रहे हो वहां पे चल रहा है काम, जेसीबी से देखो क्योंकि पूरी रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये काम चल रहा है इस पे, एंड देख सकते हो किस तरीके से पत्थर आ रहे हैं नीचे की तरफ। तो एक बार के लिए रुके हैं, ये अपनी गाड़ी, कई सारी गाड़ियां और भी खड़ी हैं, एंड इधर का व्यू दिखाता हूँ आपको। माय गॉड, ले का इधर वाला इलाका दिख रहा है, ले आगे जाके पड़ता है एग्जैक्टली। और रास्ता खुल गया है एंड निकलते हैं। तो काफी देर से मैं आंटीज के साथ बातें कर रहा था यहाँ के, मैं आप लोग तो यार 40 की एज में पत्थर हटा लेते हो। एंड ये देखो आगे पत्थर गिरा पड़ा है, ओहो रोड के बीचों बीच देखो ऊपर से आ रहे हैं ना पत्थर, कैसे कैसे गिरे पड़े हैं। यहाँ भी कटाई छटाई चल रही है क्योंकि सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, क्योंकि जरूरी है आगे के लिए, ये हाई पासेज है और ये आगे रास्ता नुब्रा वैली की तरफ जाता है। नशा और लापरवाही जान पर हमेशा पड़ेगा भारी, यहाँ बीआरओ के कोर्ट्स आपको भर भर के मिलते रहेंगे। एंड इधर से भी देखो आने वाले लोगों की भीड़ खूब है, जाने वालों की भी है, आने वालों की, लेकिन ऑल आर लोकल व्हीकल। We'll be right back.
देखो गाइस कैसे पत्थर पड़े हैं, और ये देखो बीआरओ के वर्कर्स यार, सैल्यूट है इनको, सैल्यूट, कैसे कैसे काम कर रहे हैं यार, कहां कहां चढ़ के मानना पड़ेगा वो। ये इधर बना हुआ है चेक पोस्ट, हां हां बस करके आते हैं, यहां ऊपर की तरफ चेक पोस्ट बना हुआ है। लुक एट दिस गाइस, यहां पे साउथ पुल आ गए, यहां पे चेक पोस्ट है, तो ऊपर एंट्री होती है, वो सब करा के आते हैं। हम अभी साउथ पुल्लू में, एंड भाई साहब अभी तो एक सिंगल टूरिस्ट गाड़ी नहीं गई है, मतलब सारे जेके नंबर यानी जम्मू एंड कश्मीर, एलए नंबर लद्दाख का, एंड जो बचा खुचा रहता है मतलब सीएच नंबर, वो भी टैक्सी, जो कि यहाँ के लोग ही चलाते हैं। बड़ी बात है यार, मतलब कि कोई नहीं गया, पता आपकी सिंगल ही गाड़ी है अभी तक यहाँ पे। आप देख सकते हो रोड के किनारे किनारे पे अच्छी खासी बर्फ देखने को मिल रही है। गर्म पानी पिए हैं, थोड़ी सी चॉकलेट खा रहा हूँ को यार, जाते टाइम कुछ खाने के लिए देके जाऊंगा, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा चीजें पड़ी है जो मैं यूज ही नहीं कर पा रहा हूँ। तगड़ी हाइट है यार यहाँ पे, कम से कम 15,000 फीट एल्टीट्यूड होगा। अपनी थार, अपना मॉन्स्टर पहुंच चुका है माल्टी खार दुंगला, एल्टीट्यूड 17,982 फीट। सांस चढ़ रहा है, हल्का फुल्का फॉल हो रहा है यहाँ पे, एंड वो देखो उधर से बादल आ रहे हैं, तो इट मीन्स यहाँ पे फॉल जरूर होगा, तगड़े वाला होगा, क्योंकि 3 दिन का स्नोफॉल दिखा रखा है। और अपना देखो थार, अपना मॉन्स्टर पहुंच चुका है माइटी खारदुंगला, फॉल हो रहा है हल्का हल्का। लास्ट टाइम मैं ऊपर भी चढ़ के आया था, लेकिन इस बार नहीं चढ़ेंगे, सांस का दिक्कत हो रहा है, फॉल भी हो रहा है ना, ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। ये अपनी थार, क्या बात है, मजा आ गया। 3 दिन का स्नोफॉल दिखा रखा है, बहुत खतरनाक वाला, अगर फॉल हुआ ना सब बंद हो जाएगा। पर्सनल गाड़ी में मैं देखूं तो सिर्फ मेरी गाड़ी ही है, आज का उनका जो रजिस्टर था ना उसमें ओनली मेरी ही गाड़ी थी, उन्होंने ये बात मेरे को बोली जो चेक पोस्ट वाले थे उन्होंने। हाथ सुनने हो रहे हैं, तो भी चलते हैं यहाँ से वापस नीचे की तरफ, और आज वापसी करते हैं, क्योंकि यहाँ तक आना ही मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। फॉल में यार फंसने के लिए नहीं आए हैं। थार खड़ी है, और इधर के माउंटेन देखो, अब नीचे की साइड जहाँ तक वो देखो वो रास्ता जा रहा है, फुल बर्फ होगी उधर यार, अच्छी खासी बर्फ है। हाथ मुंह गला नाक सब सुना हो गया, बहुत तगड़े वाला। ये देखो माल्टी खारदुंगला, क्या बात है, इतनी सी स्नो तो अपनी गाड़ी कुछ भी नहीं समझती यार, आराम से निकल जाती है इतनी बर्फ में तो। एंड अभी चलते हैं वापस, हमारा खारदुंगला कंप्लीट हुआ। ये देखो कॉर्नर में कैसे बर्फ जमी पड़ी है भाई साहब, कैसे बर्फ जमी पड़ी है। रोड का काम चल रहा है, इसी चक्कर में थोड़े से लेट हो जाते हैं, ऊपर से जो पानी आ रखा है ना टोटली फ्रोजन होता है। एंड इधर देखो सड़क को चौड़ा किया जा रहा है, देखो जरूरी भी है। एंड ये अपनी गाड़ी खड़ी, चलते हैं। ले की मार्केट, ले सिटी, छोड़ के जाना आसान नहीं होता। एयरपोर्ट दे छड़न वेले उतर गए सी चेहरे वे, दूर बैठे आ एक दूजे तो फिर भी किन्ना नेड़े वे। मानो ना मानो मेरा जाने का मन नहीं है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। किस तरीके की, सिर्फ ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ मिट्टी पड़ी हो, लेकिन नहीं, ये माउंटेन्स है ही ऐसे, थोड़ा अलग ही तरीके के इधर के माउंटेन। एंड हमारा सफर शुरू हो गया है वापस वाया कश्मीर होते हुए, से निकलते ही जस्ट टैंकी फुल करवा रहे हैं गाड़ी की, इसके बाद में थोड़ा पत्थर साहब गुरुद्वारा रुकेंगे, फिर थोड़ा मैग्नेटिक हिल और एक वो पॉइंट है जो नदियों का संगम है वहां पे, यहाँ से हम टैंक फुल करवा लेते हैं, इसके बाद आगे की टेंशन खत्म हो जाएगी। एंड यहाँ के देखो खूबसूरत नजारे, आएंगे दोबारा आएंगे लद्दाख, इस बार थोड़ा समर में आएंगे। पत्थर साहब गुरुद्वारा रात भी आए थे हम, लेकिन रात तो मत्था नहीं टेका, अभी जाते टाइम थोड़ा मत्था वगैरह टेक के जाते हैं, क्योंकि आज गुरपुरब भी है। ऊपर
प्रसाद भी शक के आ चुके हैं, मत्था भी टेक आए हैं, अभी चलते हैं आगे की जर्नी करते हैं कंटिन्यू। तो जी ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा पत्थर साहब और वो पीछे की साइड में वो है तपस्या स्थल, गुरुपुरब के दिन यहाँ पे बड़ा शानदार प्रोग्राम चल रहा है। गाइस देखिए मैं अभी गाड़ी बंद करने वाला हूँ, ये मैंने बंद कर दी, ठीक है गाड़ी बंद हो चुकी है। यहाँ देखो ये बिल्कुल गाड़ी बंद हो चुकी है, ये न्यूट्रल है, ये मैंने ब्रेक पे पैर दे रखा है, अभी मैं ब्रेक हटाता हूँ। एंड लुक गाइस लुक लुक, गाड़ी खुद से चल रही है आगे, ये देखो इधर देखो गाड़ी चल रही है ऑटोमेटिक, गाड़ी बंद है। ओ भाई ये जगह है मैग्नेटिक हिल, तो ये मैग्नेटिक हिल कहते हैं, सामने की पहाड़ी से इसका कुछ कनेक्शन रहता है। अभी जो भी रहता है गाड़ी तो चलती है, मैंने हैंड ब्रेक लगा रखे है तो खड़ी है। इसके बाद में अभी इंडस एंड जंस्कार का संगम है, वहां जा रहे हैं भाई अपने। नीचे की साइड में एक तरफ से आ रही है जंस्कार नदी, एक तरफ से आ रही है इंडस नदी, तो इन दोनों का यहाँ पे संगम बना हुआ है, तो हम अभी संगम देखने के लिए नीचे की तरफ जाएंगे। एवरीबॉडी ये जो भी आप देख रहे हो ये है संगम, और संगम का पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ये जो सामने के साइड में जो क्लियर वाटर आ रहा है ना वो है जंस्कार नदी ये वाली, और ये जो आ रहा है ये है सिंधु नदी यानी इंडस नदी, और इन दोनों का यहाँ पे हो रहा है मिलन, और ये आगे सिंधु नदी बन रही है इससे जो आगे नीमू की तरफ जा रही है, और ये रास्ता आगे की तरफ जो जा रहा है ये जंस्कार की तरफ जाता है। यार ये देखो ये वाला स्टे ले लिया हमने एंड यहीं रुकेंगे आज, एक होम स्टे टाइप का, ये बहुत अच्छी जगह है, अच्छी प्रॉपर्टी है, तो इधर रूम मिल गया, बट यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है तो ये मेरे को गर्म पानी दे देंगे तो ठीक है हो जाएगा एडजस्टमेंट, और इन्होंने बुखारी जला रहे हैं वहाँ बैठते हैं जाके। वाटर के लिए यहाँ पे इस तरीके का सोलर सिस्टम रखे जाते हैं पहाड़ों में, एंड लुक एट द व्यू सुपर अमेजिंग, एंड ये प्रॉपर मैप बना हुआ है श्रीनगर वाले रूट का। तो मैं अभी हूँ बस्को विलेज कैबिन नाम की जगह है, आंटी के पास आज अपना होम स्टे में स्टे रहेगा। अरे कोई बात नहीं, एंड यही बैठ के खाना खाएंगे। ये देखो ये आप पहाड़ों में आ रहे हो, ठंड में आ रहे हो, तो ये बेस्ट चीज है, इसी पे ही खाना बनता है। इसको बुखारी बोलते हैं, देखो इसमें ये लकड़ियां वगैरह जलाई जा रही है, बहुत ही इसका ना धुआं रहता है वो ऊपर छत से ऊपर चला जाता है, और यहाँ बहुत ही बढ़िया रिलैक्सिंग लगी मेरे को जगह, क्योंकि बहुत ज्यादा हीटिंग रहती है। इधर का एल्टीट्यूड भी 10,000-11,000 होगा ना, अच्छा 10,000 तो होगा। तो आज का स्टे इस रूम में, बड़ा प्यारा सा छोटा सा रूम है, ये सामान वामान लेके आ गया हूँ मैं इसमें, एंड ऊपर बुखारी आपको दिखाई दी थी आंटी के पास स्टे, रूम बड़ा बढ़िया है, एंड इधर भी एक ये जगह बनी हुई है, गैलरी है इधर, आपको कल दिखाएंगे ढंग से, अभी तो कुछ समझ नहीं आएगा यहाँ बैठने की है प्रॉपर सिटिंग। बड़ी प्यारी सी धार्मिक सी फैमिली है जिनके पास आज अपना स्टे है, एंड सब पूजा पाठ वाले से लोग है, बट है बुद्धिस्ट फैमिली है, बहुत बढ़िया है, इधर रहने के लिए अच्छी जगह, आप लोग भी आके रह सकते हो, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल डाल दूंगा भाई, रहने के लिए बेस्ट है।